क्या फिर से कांग्रेस में वापसी करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले फिर से राहुल गांधी के साथ आएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? क्या एमपी में फिर से खेला करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सारे सवाल हम क्यों उठा रहे हैं। आइए एक एक करके इन सारे सवालों का जवाब भी देते हैं और ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सियासी गलियारों में इस तरह के सवाल क्यों तैर रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत समय जो है कम बचा हुआ है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय हैं। प्रदेश के हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अलग से रणनीति बनाई जा रही है। इस बीच दिल्ली में पुराने संसद भवन में आखिरी दिन हुए कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पुराने दोस्तों से कुछ इस अंदाज में मिले कि वो चर्चा का विषय बन गया। सिंधिया के पुराने दोस्तों से मिलने की तस्वीरें सामने आने के बाद से तरह तरह के कयास भी राजनीतिक गलियारों में तेज हो गए। दरअसल संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन पुराने संसद भवन में ज्योतिरादित्य सिंधिया को सोनिया गांधी के साथ देखा गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। तब भी ये सवाल उठने लगे, कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया सोनिया गांधी के साथ देखे गए थे, इसलिए इस तस्वीर पर इतनी चर्चा भी हुई। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुए कार्यक्रम के शुरू होने से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद आकर सोनिया गांधी के बगल में बैठे और मुलाकात करने गए। हालांकि वो पूरा जो माहौल था उस वक्त कैसा था कि उनके बगल में सोनिया गांधी के बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे थे और एक कार्यक्रम के लिए वो जब उठकर मंच की ओर चले गए तो वो जगह खाली हो गई थी। सोनिया थोड़ी सी साइड हटी और ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके बगल में आकर बैठ गए, फिर दोनों की बातचीत भी हुई। खैर, पुराने संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की आखिरी बैठक के साथ साथ पुराने संसद भवन में औपचारिक निकास के उपलक्ष्य में एक समारोह भी आयोजित था। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी साथ साथ नजर आईं और कार्यक्रम शुरू होने से पहले सिंधिया सोनिया गांधी के बेंच पर जा पहुंचे थे और उनका अभिवादन भी किया। सिंधिया ने सोनिया गांधी के पास बैठे अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बातचीत की और फिर वो दूसरी पंक्ति में जाकर बैठ गए। लेकिन जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी मंच पर गए, जो कि अभी हमने आपको बताया, उस समय सिंधिया उठकर सोनिया गांधी के बगल में आकर बैठ गए। सोनिया गांधी ने भी सिंधिया को बैठने के लिए जगह दी, वो थोड़ा सा साइड हटी और दोनों के बीच में फिर चर्चा होने लगी। इतना ही नहीं, पूरे कार्यक्रम के दौरान सोनिया गांधी के साथ ही बैठे हुए सिंधिया नजर आए। दोनों के साथ बैठे देखकर लोग अचरज में पड़े और ये तस्वीर, ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और ढेरों सवाल सियासी गलियारों में होने लगे। सोनिया गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक साथ बैठने और बातचीत करने की तस्वीरें सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई। सभी ने मन में यही सवाल किया कि आखिर सिंधिया के मन में चल क्या रहा है, कहीं फिर से एमपी में बड़ा सियासी खेल तो नहीं होने वाला है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग तो पूछने भी लगे कि कहीं लोकसभा चुनाव से पहले सिंधिया फिर से कांग्रेस में तो शामिल नहीं हो रहे। आपको बता दें कि करीब 3.5 साल पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, 2014 में कांग्रेस छोड़कर आए अन्य नेता, ये सभी बीजेपी में घुल मिल गए, पार्टी की रीति नीति को भी अपना लिया। लेकिन उनके साथ आए समर्थक अब एक एक करके खिसकते दिखाई पड़ रहे हैं, कांग्रेस में जाते दिखाई पड़ रहे हैं। यही हाल कई नेताओं का भी है जिन्हें बीजेपी में शामिल कराया गया था सिंधिया के साथ, अब वो पार्टी छोड़कर, उनको उनके हाल पर छोड़कर जा रहे हैं। ग्वालियर राजघराने से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस पार्टी का पर्याय रहे हैं। इन इलाकों में सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया की ही तूती बोलती, कांग्रेस का कोई नेता सिंधिया की लाइन क्रॉस नहीं कर पाया है इन क्षेत्रों में। 2020 में सिंधिया और उनके समर्थकों का कुनबा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चला गया, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते उम्मीद के मुताबिक बीजेपी के भीतर पुराने और इन नए भाजपाइयों के बीच तनातनी शुरू हो गई। नतीजे में सिंधिया समर्थकों ने मैदान छोड़ना शुरू कर दिया। सिर्फ ग्वालियर संभाग ही नहीं, मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पिछले 6 महीने में तकरीबन 40 सिंधिया समर्थक वापस कांग्रेस में जा चुके हैं, यानी घर वापसी कर चुके हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि अपने पीछे से समर्थकों के खिसकने से सिंधिया का भाजपा में वजन कम हुआ, लेकिन सिंधिया इसे सामान्य घटना मानते हैं। अब सवाल यह है कि राजनीति में कोई भी बलिदान चिर फलदायी नहीं होता है। 2020 में बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया केंद्र में मंत्री बना दिए गए और उनके कई नजदीकी विधायक शिवराज सरकार में मंत्री हैं, लेकिन 2023 के चुनाव में नए समीकरण बनेंगे।
कुछ चुनाव पूर्व सर्वे ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी की स्थिति को खराब बताता है। यह सिंधिया के लिए परेशानी है और बीजेपी के लिए एक अवसर भी हो सकता है। राजनीतिक जानकार बहुत सारी बातें इस संदर्भ में कह रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में कांग्रेस छोड़ी थी। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। सिंधिया के साथ उस वक्त 22 कांग्रेस के विधायक भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे। मध्य प्रदेश में उस वक्त कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार थी जो कि गिर गई थी। बाद में सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए और प्रदेश में फिर से शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की सरकार बन गई। सिंधिया समर्थक विधायकों को प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया, जबकि सिंधिया को मोदी सरकार में नगर विमानन जैसा जो बड़ा विभाग था उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। बीते साल जब कांग्रेस के नेता जयराम रमेश से यह सवाल हुआ कि क्या कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा था कि सिंधिया की अब कभी कांग्रेस में वापसी नहीं हो सकती। उन्होंने सिंधिया को 24 कैरेट का गद्दार तक कहा था। उन्होंने कहा था कि पार्टी में ऐसे नेताओं पर कोई गुंजाइश ही वापसी की नहीं बचती है। भले ही कांग्रेस छोड़ने वाले दूसरे नेताओं की वापसी हो जाए, लेकिन सिंधिया और हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लोग कभी भी कांग्रेस में वापसी नहीं करेंगे। दो नाम बाकायदा जयराम रमेश ने लिए थे। इन नेताओं को कांग्रेस में लौटने की अनुमति नहीं दी जा सकती, ये बात भी जयराम रमेश ने कही। जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस को कई नेताओं ने छोड़ा है, लेकिन बहुत से नेताओं ने गरिमापूर्ण स्थिति बनाए रखी है, लेकिन जिन्होंने पार्टी छोड़ दी अपशब्द कहे ऐसे लोगों को कांग्रेस कभी भी वापस नहीं लेना चाहिए। जो नेता गरिमापूर्ण तरीके से पार्टी से अलग हुए हैं उनकी वापसी के बारे में सोचा जा सकता है। अब जब जयराम रमेश से यह पूछा गया कि सिंधिया को कांग्रेस पार्टी मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री या राज्यसभा सांसद बना देती तो क्या वो पार्टी से अलग होते, इस पर उन्होंने कहा कि सिंधिया गद्दार हैं, उन्होंने पार्टी से गद्दारी की है, इसलिए उनकी अब कभी वापसी नहीं हो सकती। ये एक तरीके से कह लीजिए कि कांग्रेस का स्टैंड हो सकता है, जयराम रमेश का स्टैंड हो सकता है, क्योंकि जयराम रमेश के इस बयान के बाद कहीं से भी कोई भी सफाई जैसा कुछ भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं दिखाई पड़ा, इसलिए माना जाने लगा कि यह कांग्रेस की तरफ से बयान है। इस समय असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। 2016 में असम में बीजेपी की सरकार बनने के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया था, जबकि 2021 में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद उन्हें असम का मुख्यमंत्री बना दिया गया। इन दोनों नेताओं की गिनती कभी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में होती थी, कद्दावर नेताओं में होती थी, लेकिन आज ये बीजेपी के बड़े चेहरे बन चुके हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की राजनीति अभी अभी शुरू की है, लेकिन संघ और बीजेपी की दो पीढ़ियों ने राजमहल का विरोध करते हुए अपनी जमीन तैयार की थी। ग्वालियर के नरेंद्र सिंह तोमर और नजदीक ही डबरा से आने वाले नरोत्तम मिश्रा मध्यप्रदेश की सियासत के बड़े नाम है। कांग्रेस पार्टी के भीतर इस इलाके में भले सिंधिया का वोट वीटो चलता हो, उनका पावर चलता हो, लेकिन बीजेपी उनकी वो स्थिति नहीं दे पा रही है, ऐसा जानकार मान रहे हैं। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भले ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता हो, लेकिन स्थानीय नेतृत्व सिंधिया को लेकर बहुत उत्साहित नहीं दिखाई पड़ता। सिंधिया को इसका कोई गुमान भी नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि एमपी चुनाव में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की नियुक्ति को ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी एक बड़ा झटका माना गया। इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि तोमर को सिंधिया का प्रतिद्वंदी माना जाता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी, और दूसरा ये कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ही तोमर भी ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं और अपना दबदबा रखते हैं। पार्टी चुनाव संबंधित समितियों में इस क्षेत्र से कितने नेताओं को जगह देगी ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम सर्वे में ग्वालियर चंबल में बीजेपी की हालत थोड़ी कमजोर बताई जा रही है, पार्टी के अपने इंटरनल सर्वे में भी। इसके अलावा सिंधिया के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि अहम मौकों पर पार्टी के पुराने नेता उनके खिलाफ अक्सर गोलबंद हो जाते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान यह देखने मिला था, सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर यह आशंका जताई जा रही थी कि सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। वहीं प्रदेश के राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि कांग्रेस की रणनीति है कि सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाई जाए। इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में कई असंतुष्ट नेता सिंधिया समर्थक जो कि वो कांग्रेस में वापस जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण जो टारगेट है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही हैं बीजेपी के साथ साथ। सदन में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या बात हुई इसका खुलासा तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से सदन में सिंधिया और सोनिया गांधी की बातचीत हुई उसे देखकर साफ लगता है कि गांधी परिवार के साथ अभी भी उनके संबंध ठीक उसी तरह बने हैं जैसा कि उनके कांग्रेस में रहते हुए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबा सियासी सफर कांग्रेस के साथ गुजार चुके हैं। एक तरीके से कह लीजिए कि उनकी शुरुआत जो राजनीति की है वहीं से हुई है।
ग्वालियर के पूर्व राजघराने के वारिस ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक करियर कांग्रेस पार्टी से शुरू हुआ है। सिंधिया का शुमार उन नेताओं में किया जाता है जो गांधी परिवार के बेहद खास रहे हैं। राहुल गांधी से उनकी दोस्ती की चर्चा रही है। वहीं अब की ये सियासी तस्वीर एक बार फिर चर्चा का विषय है। देखना यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या फैसला करते हैं, क्योंकि 2020 में जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश की सियासत को चौंका दिया था, हो सकता हो इस बार भी उनका कुछ वैसा ही मूड हो, क्योंकि महाराज के मन में क्या चल रहा है, यही सवाल लगातार राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत पर शोध करने वाले भी इसी सवाल के साथ जूझ रहे हैं कि महाराज के मन में क्या है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।